हेलो भैया, वो एक अंकल ने सामान लिया है, पेमेंट भेज दिया है क्यूआर कोड पे। आपको मैसेज आ गया पेमेंट आने की? हाँ, छोटे आ गया है, दे दो दे दो। ओके भैया, देता हूँ। तो दोस्तों, आप में से कई सारे शॉप वाले इस प्रकार के होंगे जो अपने शॉप पे फोन पे का बिजनेस क्यूआर कोड तो लगा रखे होंगे, लेकिन कभी आप शॉप पे नहीं रहते होंगे। तो आपके शॉप के नए रहने पे आपके शॉप पे जो आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके स्टाफ जो भी वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, आपको सबको संभालते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट कोई क्यूआर कोड पे करता है, तो उनका सवाल इस प्रकार से आपसे पूछने को रहता है। बट आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको स्पेशली फोन पे मर्चेंट क्यूआर कोड जो लगा रखे उनके लिए, कि अगर आप शॉप पे ना भी रहो तो आपके जो शॉप संभालते हैं, चाहे वो आपके स्टाफ हो, आपके फैमिली रिलेटेड हो, जो भी आपके शॉप पे रहते हो, उनको भी फोन पे का नोटिफिकेशन जस्ट जैसे आपको आता है उस प्रकार से वो भी प्राप्त कर सकेंगे, और इंस्टेंट बिना आपको डिस्टर्ब किए फोन करके पूछने। जैसे कि ये जो बोल लो, मैंने कई सारे शॉप पे मैं गया हूँ जहाँ मैं पेमेंट करता हूँ, शॉप पे ऑनर नहीं रहते हैं ना, तो वहाँ पे फोन करके पूछते हैं, हेलो पापा पैसे आ गए? तो पापा 5-4 मिनट तो टाइम लेते भाई चेक करने में। हाँ हाँ बेटे आ गए पैसे, इतने रुपये आए हैं। तो ये चीज आप भी ना करें। तो क्या है प्रोसेस की इस प्रकार से जो आपके शॉप पर, वो भी इंस्टेंट उनके ही फोन में एक्सेस कर सकेंगे, जान सकेंगे, इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले स्पेशली फोन पे बिजनेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को लेट करते हुए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप जिस नंबर से फोन पे बिजनेस क्रिएट कर रखे हो, क्यूआर कोड जो आपके शॉप पे लगी हुई है, उससे आपको अपने फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन को लॉग इन कर लेना है। जिसमें लॉग इन करोगे आपको सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, सामने जिस पर खाता है क्यूआर कोड जिससे आपको देखने को जो मिलता है मिलेगा। अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको टॉप पे एक आपके शॉप नेम बगल में आइकॉन दिखेगा इंसान का बनता हुआ, उस पर टैप करना है। जब टैप करोगे टॉप पे आपका शॉप नेम, आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, नीचे देख सो एडमिन लिखा हुआ। ये एडमिन क्या है मैं बताऊंगा आगे, पहले आप जान लो बिजनेस डिटेल से क्यूआर कोड कितने क्यूआर लगा वो सब चीज़ें। मैनेज स्टाफ रोल का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप सोचोगे मैनेज स्टाफ रोल क्या है, सिंपली आपको उस पर टैप करना है। जैसे टैप करोगे यहाँ पे एक नीचे प्लस का आइकॉन राइट से नीचे देखने को मिल जाएगा। ये क्या है अब मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, फिर इसे मैं एक लाइव किसी को ऐड करके आपको और उनके अकाउंट से लॉग इन करके मैं दिखाऊंगा। ये मैनेज स्टाफ रोल का मतलब ये होता है कि आप जो क्यूआर कोड पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, आप ऑनर हुए, आपके पर्सनली बैंक अकाउंट को लिंकअप कर रखा है यूपीआई ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट पेमेंट लेने के लिए। यहाँ मैनेज स्टाफ रोल का काम ये होता है कि उनको भी नोटिफिकेशन आएगा, वो भी अपने आईडी से लॉग इन करेंगे, लेकिन उनको कौन पेमेंट आए हैं, किसने कितना भेजा है, किस नाम से भेजा है, कब भेजा है, सारे चीज़ यहाँ तक वॉइस नोटिफिकेशन, SMS वगैरह नोटिफिकेशन जो आती है, एप्लीकेशन नोटिफिकेशन, वो भी वो प्राप्त कर सकेंगे, चाहे आप शॉप पे हो या ना हो। ना सिर्फ एक, आप एक से ज़्यादा भी यहाँ पे ऐड इस चीज़ को कर सकते हो। ये नहीं कि आपको फोन करके पूछा, स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में बताया था पेमेंट आए नहीं आए, मैंने कई सारे शॉप में देखा हूँ इस प्रकार से होती है। तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ है, सिंपली आप प्लस आइकन में क्लिक करें और यहाँ पे अपना कोई भी एक स्टाफ का नंबर हो, आपके फैमिली फ्रेंड जो भी आपके ना रहने पे आपके शॉप को मैनेज करते हैं उनका नंबर को यहाँ पे डाल देना है। मैंने एग्जांपल के मैं अपना एक नंबर चूज करता हूँ, मैं करता हूँ ओके, एंड यहाँ पे उनका नाम भी दे सकते हो, आप किस नाम से सेव करना चाहते हो। मैंने यहाँ पर मान लो छोटू रख दिया, एड यूज़र मैंने कर दिया और यूज़र एडिट सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे हम डन कर देंगे। यहाँ पे ऊपर आपको देखोगे कैशियर नाम से ये सेव हुआ है, और जो मैंने फ़ोन जिसमें नंबर डाला उसमें नोटिफिकेशन भी आ गया, यू बीन एडेड अंडर द इतना इतना मर्चेंट, एंड वेरीफाई करने के लिए एक लिंक भी आपको दे देगा। इनका टैप करके आप इनका रोल को बदल सकते हो, नाम हटा सकते हो, कैशियर से इसका रोल को आप जो चाहो वो सेट कर सकते हो, जस्ट लाइक एडिटर मैनेजर कर सकते हो, फाइनेंस मैनेजर, सुपरवाइजर, जो भी आपको सबका काम अलग अलग होता है। जैसे सुपर मैंने टैप कर दिया तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं, अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। हमें एम्प्लॉई कैशियर नोटिफिकेशन चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे उसे रखता हूँ एंड सेव करता हूँ। अब क्या होगा कि ये मेरा मेन प्रोफाइल है, मैंने हटा दिया इसे, ठीक है। अब क्या होगा, आप सिंपली मैं अगर यहाँ लॉगआउट कर दूँ, हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब मैंने अपनी मेन आईडी को लॉगआउट कर दिया और मैं जैसे सप्लायर मेट किया उनका आईडी हम डाला और OTP से हम यहाँ पे इसे वेरीफाई अगर करते हैं, एंड वेरीफाई जैसे करेंगे यहाँ पे देखना उनका दो अकाउंट शो करेगा, एक अकाउंट क्रिएट करें खुद का एडमिन के लिए, और नीचे देखोगे तो जैसे मैं टेक्निकल वसी में मेरा शॉप का नाम जो भी दे रखा हूँ ATC यहाँ दिखा, और एक्सेप्ट जैसे इस पर टैप करोगे आप तो यहाँ पे सिंपली ये कैशियर के रूप में तब्दील हो जाएगा, और जैसे इस पर टैप करो दो अकाउंट लॉगिन करने को आएगा, ये एज ए कैशियर यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे, और जो अमाउंट आपको अभी कुछ देर पहले मेरे मेन अकाउंट दिखा था अमाउंट ट्रांजेक्शन लेन देन, अब यहाँ पे
आपके केसेस जिनको ऐड कर रखा उनके आईडी पे शो करेगा। हाँ, यहाँ पे वो सेटलमेंट वगैरह आईटीसी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब ऑप्शन उनको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पेमेंट कौन आए, कितने आए, वॉइस अलर्ट ईटीसी वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप रहो ना रहो, पेमेंट का जो नोटिफिकेशन होता है, पेमेंट प्रूफ होता है कि हाँ हमारे पास पेमेंट रिसीव हमने किया, भाई बहुत ही आसान तरीके से वो कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे आप एक से ज़्यादा यूज़र को रोल पे एड कर सकते हो, कोई सुने, बहुत ही बखूबी काम करता है। मेरा जो भी शॉप पे पेमेंट लेता हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे भाई को एड कर दिया हूँ, उनको नोटिफिकेशन आता है, वो कन्फर्म हाँ पेमेंट आ गए भाई इस चीज़ के लिए। तो अगर आप फोन पे भी क्यूआर कोड लगा रखे हो, आप मैनेज नहीं कर रहते नहीं हो, तो आप भैया कैशियर मैनेजर जो भी होता है, आप अपने शॉप पे जिसको ट्रस्ट करते हो उनको बना दो। वो सिर्फ ट्रांजेक्शन मॉनिटर कर सकता है, कोई बैंकिंग चेंजेस ईटीसी नहीं कर सकता, मतलब कि आप पूरी तरह सिक्योर रहो कि हाँ ट्रस्टेड है भैया, इतने चीज़ों मेरे सारी चीज़ संभाल लेगा। मुझे बार बार कॉल कर पूछने पेमेंट आए नहीं आए ईटीसी, जो क्यूआर पेमेंट लोग करते हैं इस चीज़ को लेकर, जो मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा हूँ, भैया मैं बाजार मार्केट कभी निकलता हूँ पेमेंट के लिए नहीं रहते हैं, तो इस चीज़ का लोगों काफ़ी दिक्कत होता है। यहाँ पर कस्टमर को वेट करना पड़ता है, स्टाफ को वेट करना पड़ता है, और आपको भी कॉल करके आपके जो भी शॉप पे जो संभालते हैं उनको दिक्कत होती है। तो ये है फ़ोनपे का बिजनेस क्यूआर कोड, किस प्रकार से आप इसे दूसरे लोग को मैनेज कर दे सकते हो जो आपके बिजनेस को संभालते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप फोन पे का क्यूआर कोड फ्री में साउंड बॉक्स पेटीएम में साउंड बनाना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर आप पेटीएम का साउंड बॉक्स चाहिए, कैसा यूज कर रहे हैं, क्या क्या इंटरफेस है पेटीएम और साउंड बॉक्स किस पर वर्क करता है, उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने को। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले।